नमस्कार, मैं उसे और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसी के चलते बीजेपी इन सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए अपनी ताकत झोंकती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है। सीएम योगी पश्चिमी यूपी से प्रचार शुरू करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ सभी सीटों पर 3 दिन में 9 जनसभाएं करेंगे। सीएम योगी उपचुनाव के लिए 8, 9 और 11 नवंबर को जनसभाएं करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी जनसभाएं में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। इसी के बाद 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ 8 नवंबर को गाजियाबाद, कुंदरकी और मीरापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी के बाद 9 नवंबर को वो सीसामऊ, करहल और खैर में जनता के बीच पहुंचेंगे। सीएम 11 नवंबर को कटहरी, फूलपुर और मजवा में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार वाली सीटों पर प्रचार करने के निर्देश दिए जाएंगे। और बता दें आपको कि यूपी उपचुनाव में बीजेपी झोंक रही है इस बार पूरी ताकत और सभी पार्टियां जोरों से तैयारियों में जुट गई हैं। और 3 दिन में सीएम योगी आदित्यनाथ 9 सभाएं करेंगे यूपी उपचुनाव में। जी हां, इस बार बीजेपी पूरी तरीके से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, जिसको लेकर लगातार दौरे किए जा रहे हैं और अब जनसभाओं की शुरुआत हो चुकी है। बता दें आपको सीएम योगी 8 नवंबर को गाजियाबाद, कुंदरकी और मीरापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी के बाद 9 नवंबर को वो सीसामऊ, करहल और खैर में जनता के बीच पहुंचेंगे। सीएम 11 नवंबर को कटहरी, फूलपुर और मजवा में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार वाली सीटों पर प्रचार करने के निर्देश दिए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ बता दें आपको कि जनसभाएं करने का जो दौर है उन्होंने शुरू कर दिया है और जनसभा को संबोधित करते नजर आए हैं। और इसी के चलते अब वो महाराष्ट्र में भी जुट गए हैं जनसभा का मोर्चा संभालने में। सपा उपचुनाव में जमीनों की खरीद में कथित गड़बड़ियों पर फोकस करेगी। भ्रष्टाचार, खाद संकट, कानून व्यवस्था, संविधान और बेरोजगारी उसके प्रचार के मुख्य मुद्दों में शामिल रहेंगे। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में समर्थकों की बैठक के जरिए पूरे प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ताओं और आम मतदाताओं को सियासी संदेश देने का प्रयास किया है। अखिलेश यादव ने उपचुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान का आगाज गाजियाबाद से किया है और वो जल्द ही अन्य सीटों पर भी प्रचार के लिए जाएंगे। पार्टी उपचुनाव को अगले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रही है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि यहां मिली विजय से एक संदेश जाएगा कि भाजपा को हराना सपा के मुश्किल काम नहीं है। इसलिए सपा का पूरा फोकस है कि धार्मिक आधार पर मतों का विभाजन ना हो सके। वो पीडीए के नारे से जाति के आधार पर ध्रुवीकरण की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भ्रष्टाचार, खाद, कानून व्यवस्था, संविधान, इन सभी मुद्दों पर बात की जा रही है। जमीनों की खरीद में गड़बड़ियों पर फोकस हो, अखिलेश यादव कहते नजर आए हैं अपने बयान में। और उपचुनाव में सपा बेरोजगारी को अपना बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारियों में है और पूरी प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कई मंत्रियों को इस बात के लिए आदेशित किया गया है कि कोई भी कोर कसर न रह जाए। सभी पार्टियां जिस तरह से अलग अलग तैयारियों में जुटी हुई हैं और उपचुनाव में अब कुछ ही दिन का समय बाकी है, अखिलेश यादव भी इसी कड़ी में जुट चुके हैं पूरी तैयारियों के साथ। और बता दें आपको कि अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में समर्थकों की बैठक के जरिए पूरे प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ताओं और आम मतदाताओं को सियासी संदेश देने का प्रयास किया है। अखिलेश यादव ने उपचुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान का आगाज गाजियाबाद से किया और वो जल्द ही अन्य सीटों पर भी प्रचार के लिए जाएंगे। और फोन लाइन पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजेश, गाजियाबाद से शुरुआत की है, अखिलेश यादव ने क्या कुछ बयान दिए हैं गाजियाबाद पहुंचकर?
देखिए जेवा, अगर बात करें अखिलेश यादव की, तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ उपचुनाव में तैयारी कर ली है, और वहीं आपको बता दें कि उपचुनाव में अखिलेश यादव ने गाजियाबाद के खैर जो सीट है वहां पे इन्होंने प्रचार किया है। और सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव ने कहा है कि हम जो है जनता के बीच में जाएंगे तो जनता के बीच में भ्रष्टाचार को लेकर, खाद नहीं मिल रही किसानों को उसको लेकर, उसके बाद जो बेरोजगारी है, इन सारी चीजों को लेकर हम, और उसके साथ साथ में जो जमीनों की खरीद फरोख्त में जो गड़बड़ झाला हुआ है, इन सारी चीजों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में हम इसी को अपना मुद्दा बनाएंगे और इसी मुद्दे पर जनता से हम वोट मांगेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से बीजेपी भी लगातार अपनी तैयारियों को धार देने में जुटी है, तो वहीं अखिलेश यादव भी कहीं कहीं देखा जाए तो पीछे नहीं नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव भी लगातार अब रैलियों पर रैलियां करते हुए नजर आएंगे, और गाजियाबाद से उन्होंने शुरुआत कर दी है। गाजियाबाद के खैर सीट पर उन्होंने अपना प्रचार किया है। प्रचार में उपचुनाव में सबसे बड़ी जो उनकी सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी, जमीन की खरीद फरोख्त और उसके साथ साथ में खाद कानून व्यवस्था संविधान, ये सारे मुद्दे अखिलेश यादव के रहेंगे। देखिए, अखिलेश यादव ने जो प्रचार का दौर है वो शुरू कर दिया है और अभियान की शुरुआत की है गाजियाबाद से। क्या लगता है अभी जो और बची हुई सीटें हैं उनमें से किन किन सीटों पर जा सकते हैं अभी उपचार के लिए? देखिए जेपा, अगर बात करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव प्रचार के लिए तो सभी सीटों पर जाएंगे, क्योंकि 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, तो 9 सीटों पर अखिलेश यादव प्रचार करेंगे, क्योंकि अभी गाजियाबाद से उन्होंने शुरू किया है। तो इसके साथ साथ माफो दर्जे की गाजियाबाद के साथ में मीरापुर है, करहल है, फूलपुर सीट है, कटेरी सीट है, तो ऐसे तमाम जो 9 सीटें हैं उस सभी 9 सीटों पर अखिलेश यादव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी को घेरते हुए नजर आएंगे बेरोजगारी के मुद्दे पर, खाद के मुद्दे पर और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। जी राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर अपडेट्स के लिए। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के बाद जारी ध्वस्तीकरण नोटिसों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में आज सुनवाई होगी। इस मामले में राज्य सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया है। न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ के समक्ष एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स संस्था की जनहित याचिका बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। याचिका में बहराइच के कथित अतिक्रमणकर्ताओं को बीते 17 अक्टूबर को जारी ध्वस्तीकरण नोटिसों को चुनौती देकर इन्हें रद्द करने के निर्देश देने का आग्रह किया गया। आपको बता दें कि बहराइच के महाराजगंज में 13 अक्टूबर को हिंसा के बाद रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद वहां के कथित अतिक्रमणकर्ताओं के निर्माणों को ढहाने की नोटिसें उन्हें जारी की गई थी। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए अभिनव, जिस तरह से मूर्ति विसर्जन के दौरान जो बड़ी हिंसा ने रूप ले लिया था, अभी तक का क्या कुछ अपडेट्स इस पर आया है? बिल्कुल, देखिए जैवा, ये बहराइच में हिंसा हुई थी और इस हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की देखिए मौत हो गई थी। फिर उसके बाद प्रशासन ने कह सकते हैं कि लोगों को नोटिस जारी किया, दृष्टिकरण की कार्रवाई करने जा रहा था, जिसपे देखिए कोर्ट की ओर से जो है स्टे लगा दिया गया है और अभी किसी भी प्रकार की बुलडोजर कार्रवाई पे रोक है। और इसको लेके देखिए एक पक्ष जो है वो लगातार अदालत का रुख कर चुका है, और इस मामले में पहले भी सुनवाई जो है वो प्रस्तावित थी, सुनवाई टल गई थी, अब देखिए दोबारा से इसमें इस मामले में सुनवाई सुनी। और आपको बता दें कि बहराइच हिंसा में तमाम जो लोग हैं वो घायल हुए थे, काफी नुकसान हुआ था, कह सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर जो है बहराइच में वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था, जिसके बाद देखिए प्रशासन ने वहाँ तमाम कार्रवाई जो है उसको तेज किया, तमाम लोगों को गिरफ्तार किया, और उसी क्रम में देखिए ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई प्रशासन करने जा रहा था, जिसको लेके जो ये मामला है ये पूरा मामला कोर्ट पहुंच गया है। और एक पक्ष के जो लोग हैं वो कोर्ट में अपनी याचिका लगाए हैं कि उनके जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो रोकी जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि अभी किसी भी निजी संपत्ति पे कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं हो सकती, तो देखने वाली बात है कि कोर्ट क्या कुछ फैसला बहराइच के इस हिंसा वाले प्रकरण मामले में सुनाता है और इसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है। जी देखिए, जिस तरह से आपने बताया कि आज इस पर सुनवाई होनी है, अगर हम बात करें कि दो पक्ष हैं, देखिए
किस पक्ष की ज्यादा सुनवाई हो सकती है, क्या कुछ आसार लग रहे हैं कि ये फैसला होगा या नहीं होगा कि ध्वस्तीकरण के मामले में ये जो आज केस चल रहा है? देखिए, ध्वस्तीकरण मामले में कोर्ट जो है फिलहाल अभी बुलडोजर कार्रवाई के पक्ष में नहीं है। जितने भी अगर आप कोर्ट के पिछले जजमेंट देखें, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात करें चाहे हाई कोर्ट की बात करें, तो उसमें जो ये बुलडोजर कार्रवाई है इस पे फिलहाल जो रोक है वो लगातार बढ़ाई जा रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि आज भी कोर्ट की ओर से एक पक्ष को कह सकते हैं रिलीफ मिलेगा। वो जो बुलडोजर कार्रवाई प्रशासन करना चाह रहा था उस पर जो रोक है वो बरकरार रहेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट अगली डेट दे दे, फैसला आज न सुनाए, फैसला सुरक्षित रख ले, आगे एक और तारीख जो है वो मुकर्रर कर दी जाए सुनवाई के लिए। ऐसी भी तमाम चीजें देखिए हो सकती हैं। जी अभिनव, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर अपडेट्स के लिए। उत्तर प्रदेश में सर्दी की हल्की दस्तक के बीच ज्यादातर जिलों में इन दिनों हवा जहरीली हो गई है। प्रदूषण की चपेट में पश्चिमी यूपी ही नहीं, पूर्वांचल के कई जिले भी शामिल है। नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद के बाद लखनऊ, प्रयागराज, मुजफ्फरनगर में प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में गिना जा रहा है। गाजियाबाद और नोएडा की स्थिति बेहद ही खराब हो गई है। इन जगहों पर प्रदूषण पर्यावरण के साथ साथ हमारी हेल्थ के लिए भी खतरनाक है। हालात ऐसे हैं कि गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, मेरठ, आगरा समेत कई शहरों में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि योगी सरकार में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने वायु प्रदूषण फैलाने वालों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं। और बता दें आपको कि हवाओं में जो जहरीला जहर एक तरह से घुल रहा है, उस तरह उसकी वजह से लगातार लोगों को जीवन यापन करने में बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खतरनाक स्तर पर पहुंचा है AQI। और बता दें आपको कि वायु प्रदूषण फैलाने वालों से सख्ती से निपटने के आदेश भी दिए जा रहे हैं। और स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारियां हो रही है वो लगातार बढ़ती हुई, खतरनाक स्तर पर AQI पहुंच रहा है। और सबसे ज्यादा इसका असर दिल्ली में देखा जा रहा है। श्वास संबंधी लोगों को बीमारियां हो रही हैं और वायु प्रदूषण फैलाने वालों से सख्ती से निपटने के आदेश जारी किए गए हैं।